छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए कानपुर विश्वविद्यालय के सामने दरी लगा दी। हालांकि पूरे मामले में कानपुर कमिश्नरेट ने गंभीरता दिखाते हुए भारी पुलिस फोर्स विश्वविद्यालय पर तैनात कर दिए। आर्यनगर विधानसभा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने युवाओं का आइकॉन बताया प्रोफेसर विनय पाठक को। अपने हाथों में चरण पादुका लेकर प्रोफेसर पाठक के लिए बताया फरार और कहा इसी पादुका चरण खड़ाऊ भरोसे विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है। प्रोफेसर विनय पाठक को राष्ट्रपति भी बता दिया, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कहा प्रोफेसर पाठक तुसी ग्रेट हो, हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाला कुलपति ग्रेट हो और तमाम आरोप लगाते हुए धरना जारी रखा। देखिए हम कानपुर के लोग हैं, हमारे बीच की एक महान शख्सियत जिसकी डिग्री भी फर्जी थी फिर भी कुलपति बने और एक दो नहीं अनेक विश्वविद्यालय कुलपति बने। हर विश्वविद्यालय में उन्होंने सैकड़ों करोड़ों घोटाले किए और बात खुल ना सकी। आखिर में एक व्यक्ति ने जो पीड़ित था उसने शिकायत करी और मुकदमा दर्ज हुआ और दो तीन लोग जेल भी गए। और लेकिन देखिए 2.5 महीना हो गए माननीय कुलपति महोदय अभी तक फरार हैं और आज तक जांच के लिए प्रस्तुत तक नहीं हुए। एसटीएफ ने जांच पूरी कर ली, एसटीएफ से जांच छीन ली गई, जांच सीबीआई को दे दी गई और कुलपति जी नहीं मिले। और कमाल की बात है कुलपति जी का वेतन जा रहा है, 3 लाख रुपए महीना कुलपति जी का वेतन जा रहा है और सारे काम चल रहे हैं। तो ऐसी महान शख्सियत जिनके ना होने पर भी सारे काम बदस्तूर चलते रहे, हजारों करोड़ ले जाने के बाद भी पकड़े ना जाए, पुलिस उनको ढूंढ ना सके। वो पुलिस जो इरफान सोलंकी घर में रात में कूद जाती है पर कुलपति महोदय घर में आज तक नहीं कूद पाए। तो ऐसी महान शख्सियत तो उनकी इसी खड़ाइयों से संभवतः इस विश्वविद्यालय का काम चल रहा। दो विश्वविद्यालय कुलपति तो वर्तमान में भी हैं और पद से भी नहीं हटे। बताइए महानता को थोड़ी है कि हजारों करोड़ घोटाला उसके बाद ही पद पर भी बने हुए, तनख्वाह भी आ रही है। तो ऐसे महान कुलपति जिनकी खड़ाइयों से विश्वविद्यालय चल रहा है उनकी खड़ाइयों का हम लोग पूजन कर रहे हैं, नौजवानों से निवेदन कर रहे हैं एक कुलपति के सम्मान में नारे लगावें और कुलपति की खड़ाइयों के साथ में सेल्फी लेकर के जरूर जाएं ताकि आने वाले भविष्य में उनका आशीर्वाद सब नौजवानों को प्राप्त। हमारी कोई मांग नहीं है, हम तो उनका सम्मान करने आए। हम तो चाहते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार है, ये ऐसे ही जीरो टॉलरेंस बनाए रखे, हजारों करोड़ जनता का लूटें और लूट करके बंदर बांट करें। हमारी कोई मांग नहीं, हम तो चाहते हैं इन कुलपति महोदय का सम्मान हो और जो विश्वविद्यालय बचे हैं उनका चार्ज भी ऐसे ही महान कुलपति को दे दिया जाए। सर जैसे 13 साल लगभग 13 साल के कार्यकाल में उन्होंने आठ बार वाइस चांसलर के पद में कार्यरत रहे, तो इससे और पहले की कंप्लेंट है? ये उन्होंने हर विश्वविद्यालय में घोटाले किए हैं, हर जगह की शिकायतें हैं, नियुक्ति में, पेपर बनाने में, पेपर लीक करने में, हर जगह उन्होंने निर्माण कर एफडी तोड़ तोड़ कराया है, 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ की एफडी तोड़ी हर विद्यालय में। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला ही नहीं था और सरकार सुनने वाली नहीं थी। 2014 से उनका कामकाज चल रहा है लेकिन एक आदमी आया जो स्वयं उसका हिस्सा था, जिससे पैसा लिया गया था, उसने बात खोली, खोली बात पकड़ी भी गई लेकिन कुलपति महोदय नहीं पकड़े गए। 1.4 करोड़ का लगभग घोटाले का जो आरोप 1.4 1400 करोड़ है भाई, पता तो करिए जाके 1.4 है।